मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने संयुक्त पत्रकार वार्ता के माध्यम से आरोप लगाया है कि नर्मदा सेवा यात्रा का समापन करने के लिए परिवहन विभाग ने हजारों बसें जब्त कर ली है। उन्होंने ये भी कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा और इसके प्रचार प्रसार में जनता की गाढ़ी कमाई से प्राप्त राजस्व कोष के करोड़ों रुपयों को बर्बाद किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री के नाम पर सरकार ने प्रदेश के 51 जिलों से 2,12,250 लोगों के लिए कुल 5,311 बसों को जब्त कर उनके आवागमन हेतु व्यवस्था की गई है। 11-12 साल बाद नर्मदा को स्वच्छ निर्मल बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री और पूरी सरकार कर रही है और यह है कि 11 बार भी क्यों मां नर्मदा को निर्मल स्वच्छ बनाने की मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जबकि पिछले सालों से लगातार मरका अंचल को अवैध उत्खनन करके पूरा करने का काम सरकार कर रही है। और ये हमारी सबसे बड़ी भागीदारी अगर किसी की है तो वो शिवराज सिंह जी के परिवार के लोगों की है। नरेंद्र मार्ग साहब डंपर और तमाम पकड़े गए बाद छोड़े जाते हैं, तमाम प्रक्रिया आपके सामने से गुजरी है, सबने छापा है, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी है, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या आपने आने से पहले जो हो रहा है, जो सरकार आपकी कर रही है, जिस तरह से मध्य की जनता का पैसे को आपका यहाँ पर हो रहा है और मां नर्मदा को विशेष रूप से जिस तरह से अवैध खनन पूरा करने का काम किया जा रहा है उसकी जानकारी आपको नहीं है और होने के बावजूद भी आप यहाँ पर आ रहे हैं, इससे ये स्पष्ट है कि आप भी इनके इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं होने के लिए मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। किस यात्रा प्रधानमंत्री की जो उसके लिए सरकार एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, प्रमुख सचिव महोदय ने जिला पंचायत के सीओ लोगों और टारगेट दिया है जिसका एक विवरण माननीय अध्यक्ष महोदय दी। उसका दूसरा पहलू ये भी है, स्वच्छ भारत का जो पैसा पंचायतों में खर्च होना चाहिए उस पैसे का 500 रुपए दिया जाएगा जो के लिए जाने को तैयार हो। पंचायत की राशि स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी परिकल्पना है, उसी का दुरुपयोग भी हो रहा है, ये एक बिंदु है प्रधानमंत्री को जानना चाहिए। यह यात्रा नहीं है लेकिन पूरी तरह से सरकारी, बसों का कौन खर्चा देगा वो तो अलग कहानी है, लेकिन एक एक व्यक्ति को 500 रुपए दिए जा रहे हैं अमरकंटक पहुंचने के लिए, बड़ा बिंदु है। हाल में प्रधान मुख्यमंत्री महोदय ने विशेषज्ञों की बैठक एकेडमी में कि राय, आप सब परिचित हैं कुछ सालों से अनिल माधव दवे जी जो बड़े विशेषज्ञ हैं रक्षण संवर्धन के लिए, उन्होंने कितने दफे आई सब राय हुई लेकिन उसका कोई पाय, ये भी एक बिंदु शिवराज सिंह जी को जानना चाहिए। शायद अमल कर लेते तो इतना पैसा खर्च करके इतने विश्वास की जरूरत नहीं होती। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ राम पवार की रिपोर्ट।